पुलिस वाली टीम कहां पर है? सेक्टर 22, सेक्टर 22 भैया, ग्राउंड पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कवा दो। सर, गाजियाबाद में जो ये कबड्डी का प्रतियोगिता रखी गई है, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और अपना नाम करें, क्या कहेंगे? हमारे थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम मकनपुर में आयोजित किए जाने वाले इस कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजक नई किरण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज के इस अवसर पर बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया और कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है खेल में भाग लेना। जीतना और हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किसी खेल या प्रतियोगिता में भाग लेना। क्योंकि जब आप किसी खेल की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और टीम के रूप में जब आप कार्य करते हैं तो उससे सबसे बड़ी जो टीम भावना हमारे अंदर पैदा होती है जी, जो आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी है। तो मैं नई किरण को, ग्राम मकनपुर को और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं जी और उम्मीद करता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। सर, बड़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं तो आप जो नहीं पहुंच पाते यहां तक स्टेट तक और जो कबड्डी के प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आगे बढ़े? संदेश देना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से जो ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ खेल कबड्डी जी आज मात्र ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता जी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज एक स्पोर्ट्स बन गया है जी और इसमें असीमित संभावनाएं आज की डेट में हैं। प्रोफेशनल कंपटीशन हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों में भी अब ये लोकप्रिय हो रहा है जी। तो इसको एज ए कैरियर अडॉप्ट करके और राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खेल के खिलाड़ी बन सकते हैं जी, जिसे एक अपना कैरियर के रूप में अपना सकते हैं जी और राष्ट्र में अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जनपद का नाम रोशन कर सकते हैं। सर, जैसा कि आप यहां आए हैं तो कभी ऐसे फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी इसी कबड्डी को लेकर कोई प्रतियोगिता हो सकती बिल्कुल, है? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस हमारी यूपी पुलिस की कबड्डी की जो टीम है जी वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से पूरी तरह से परिपूर्ण है जी और केवल कबड्डी ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की पुलिस ने अन्य कई खेलों में अपना नाम रोशन किया है जी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सर, नई किरण जो एनजीओ है इनकी तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जा रही है उन बच्चों तक नई धन्यवाद देना चाहता हूं जी, उन्होंने दूर और ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया जी, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जी और इस आयोजन के माध्यम से उन बच्चों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जी। इसके लिए मैं नई किरण को भी शुभकामनाएं देता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं।